नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। मेरे पास एक मैसेज आया है जिसमें पूछा गया है कि मेरे घर के नॉर्थ ईस्ट के भाग में स्टेयर्स बनी हुई है और स्टेयर्स के नीचे ही नॉर्थ ईस्ट के भाग में टॉयलेट बनी हुई है। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं इस टॉयलेट को दूसरी जगह लेकर जाऊँ और ना ही मैं ऐसे स्टेज में हूँ कि मैं अपना घर बदल सकूँ। बंसल जी, आपके पास इसका कोई उपाय है तो आप मेरे को इसके बारे में जानकारी देने की कोशिश करें। आज मैं आपको वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की खास बातें बताना चाहूँगा। मैं बहुत सारी ऐसी साइट्स देखता हूँ जिसमें नॉर्थ ईस्ट के भाग में टॉयलेट बनी हुई होती है और स्टेयर्स भी बनी हुई होती है। ऐसे में वास्तु के अनुसार क्या कर सकते हैं, आज मैं आपको वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की भी जानकारी देना चाहूँगा। आपके यहाँ नॉर्थ ईस्ट के भाग में टॉयलेट बनी हुई है तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपने अपने वहाँ पर टॉयलेट में एग्जॉस्ट फैन की व्यवस्था करनी है और आपकी टॉयलेट के अंदर सीलिंग फैन की व्यवस्था हो सकती है, लगा सकते हैं तो आप एक सीलिंग फैन भी जरूर लगाएं। यदि टॉयलेट की पाइपलाइन से गैस बैक मारती है तो आप उसको ठीक कराएं। यदि आपकी टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट के भाग में ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बनी हुई है तो मेरा अपना ये मानना है कि आपके यहाँ बेशुमार परेशानियाँ बनी हुई होंगी। आप उन परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूँगा, आप अपनी टॉयलेट को तो कहीं बदल नहीं सकते, लेकिन आप अपनी टॉयलेट का फर्श का लेवल नीचा जरूर कर सकते हैं। आप अपनी टॉयलेट का फर्श का लेवल पूरे घर के फर्श के लेवल से 1 इंच 2 इंच 3 इंच नीचा कर देते हैं तो भी आपको रिलैक्स जरूर मिल जाएगा। टॉयलेट का फर्श नीचा करने से आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं में आपको एक एक करके राहत मिल जाएगी और आपके जितने भी काम हैं वो एक एक करके बनने शुरू हो जाएंगे सिर्फ टॉयलेट का फर्श का लेवल नीचा करने से। वैसे तो मैं भी आपको कहना चाहूँगा कि नॉर्थ ईस्ट के भाग में टॉयलेट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है तो इसके लिए आपको ये उपाय तो करने ही पड़ेंगे। इसी के साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, आपकी जो टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट के भाग में बनी हुई है और स्टेयर्स नॉर्थ ईस्ट के भाग में बनी हुई है उसमें आपने करना क्या है, टॉयलेट के अंदर के हिस्से में और बाहर के हिस्से में आपने क्लीनिंग करनी है। वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई सामान नहीं होना चाहिए। ऐसे ही जो स्टेयर्स आपकी बनी हुई है, स्टेयर्स के नीचे से लेके और टेरिस तक, स्टेयर्स के नीचे वाले भाग में भी और स्टेयर्स के ऊपर वाले भाग में भी किसी भी प्रकार का कोई भी सामान नहीं होना चाहिए। आपने अपने स्टेज को बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ करना है, साफ रखना है। आपके यहाँ नॉर्थ ईस्ट के भाग में स्टेज के नीचे या स्टेज के ऊपर या टॉयलेट के अंदर या टॉयलेट के बाहर जो भी सामान रखा है या फिक्स है या रूटीन में इस्तेमाल होने वाला है, आप उस सामान को हटाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा राहत मिल जाएगी। आप एक बार ये उपाय करके ज़रूर देखें। इसी के साथ जो आपकी टॉयलेट है और जो स्टेयर्स है, आपने टॉयलेट के अंदर और टॉयलेट के बाहर वाले हिस्से में ऐसे ही आपके स्टेयर्स ग्राउंड फ्लोर से लेके टेरिस तक, इसके अंदर आपने जो कलर करना है वो कलर आपने ऑफ वाइट कलर करना है। ऑफ वाइट कलर करने से भी आपको राहत जरूर मिल जाएगी। मेरा अपना ये मानना है कि आप ये छोटे छोटे उपाय अपने यहाँ करते हैं तो आपको राहत जरूर मिलेगी। मैं आपको दोबारा से बताना चाहूँगा आपने करना क्या है, टॉयलेट के अंदर एग्जॉस्ट फैन की व्यवस्था करनी है। जितनी भी आपके यहाँ टॉयलेट के अंदर स्मेल बनती है वो एग्जॉस्ट फैन से आपकी बाहर निकल जाए। सेकंड, आपने टॉयलेट के अंदर फैन लगाने की व्यवस्था है तो आप वहाँ पर फैन लगाएं। तीसरा काम आपने क्या करना है, जो आपकी अपनी टॉयलेट है उसकी क्लीनिंग अच्छे तरीके से करनी है। टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद आपको पानी का इस्तेमाल भी ज़्यादा करना है। स्टेयर्स में नीचे से लेके दूर ऊपर तक यानी टेरेस तक आपके यहाँ कोई भी सामान रखा है तो उस सामान को आपने हटाना है। आपने अपने यहाँ पर टॉयलेट के अंदर और स्टेयर्स में सीढ़ियों में क्रीम कलर, ऑफ वाइट कलर करना है। उसमें चाहे आपकी अपनी टाइल्स लगी हुई है या आपका अपना पत्थर लगा हुआ है, ऑफ वाइट कलर या क्रीम कलर होगा तो मेरा अपना ये मानना है आपको बहुत ज़्यादा राहत भी मिलेगी और आपके काम भी जरूर बनेंगे, ऐसा मेरा अपना अनुभव भी कहता है। आप ये छोटे छोटे उपाय जरूर करें। आप सभी अपना कीमती समय निकालकर मेरी वीडियो देखते हैं उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारे पिताजी द्वारा लिखित पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो, जिसमें उन्होंने वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपना अनुभव भी लिखा है, हमारे पिताजी ने इस पुस्तक को छपवाकर समाज में बांटा
और समाज को वास्तु के प्रति जागरूक भी किया, और जिन जिन लोगों ने हमारी ये बुक पढ़ी, इस बुक को पढ़कर लोगों ने भरपूर लाभ उठाया। आप भी यह पुस्तक मंगवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप हमारी यह पुस्तक मंगवा सकते हैं। आप अपनी किसी भी साइट के लेआउट पर वास्तु सलाह लेना चाहते हैं या आप अपनी किसी भी साइट की वास्तु विजिट कराना चाहते हैं तो आप निसंकोच होकर वास्तु विजिट करवा सकते हैं। और आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं तो आप अपने नए घर का नक्शा भी हमारे यहाँ से बनवा सकते हैं। आप सभी मेरी वीडियो देखते हैं, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने सर्कल में शेयर जरूर करें। आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली जितनी भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।